ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ସମେତ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଗୁରୁତର। ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସହାୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାୟୁସେନାର 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ପଠାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 135ଟି ଡଙ୍ଗା ଓ 18ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। 49ଟି ମୋଟର ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ପାଟନାରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 6ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜରିଆରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓ 2 ଲକ୍ଷ ପାଣି ବୋତଲ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରରେ ବନ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ପାଟନା ମେ ଖାସ ତୌର ପେ ବାତ କରଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର କଦମ କୁଆଁ ନାଲା ରୋଡ ଇନ ଇଲାକୋ ମେ ଅଭି ବି ଯୋ ବାରିଶ କା ପାନି ଯୋ ଜମା ହୁଆ ହେ ଓ ନହିଁ ନିକଲା ହେ ଔର ଅଭି ବି ସ୍ଥିତି ଯୋ ହେ ଓ ବେହଦ ଚିନ୍ତାଜନକ ବନି ହୁଇ ହେ। ଲୋକ ଅଭି ବି ୟହାଁ ପେ ଅପନେ ମକାନୋ ମେ ଏକ ତରହ ସେ କହେ ତୋ କୈଦ ହେ और अब लोगों तक जो है वो राहत सामग्री लगातार हालांकि पहुंचाया जा रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे आज का जो ये राहत सामग्री का जो पैकेज है वो यहाँ पे पैकेट लेकर के एनडीआरएफ के जवान जो हैं थोड़ी देर में इन इलाकों में जाएंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए ये केला है, ये देखिए ये पानी का बॉटल है और ये दूध है। इसके साथ साथ अन्य जो फ्रूट पैकेट हैं वो भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो लेकर के जाएंगे। तो कमोवेश सभी वोट्स पे आप देख सकते हैं कि जो फल हैं उसके अलावा पानी के बॉटल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके अलावा फूड पैकेट्स जो हैं वो लेकर के एनडीआरएफ के जवान थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और एक साथ जो है लगभग 15 जो वोट हैं वो यहां से रवाना होंगे। देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के ये जो जवान हैं वो यहां आ चुके हैं, जिला प्रशासन के लोग आ चुके हैं। तो थोड़ी देर में एक जो यहां पे राहत जो है पहुंचाने का काम जो है सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से ब्रेड जो है वो पहुँचाया गया है, लोगों के घर तक पहुँचाया गया है। और इस तरह से देखिए हर वोट पर दूध के पैकेट, खाने का पैकेट, पानी का बॉटल्स जो है वो पहुँचाने का जो काम है वो आज फिर से ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी शासन प्रशासन के द्वारा, निजी संस्थाओं के द्वारा कि लोगों के घर तक ज़रूरत के सामान पहुंच सके, कम से कम उतना सामान जरूर पहुंच सके ताकि वो अपना जीवन जो है वो चला सकें, अपनी भूख जो है वो मिटा सकें। तो फिलहाल जो ये अभियान जो है वो अभी जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।